हेलो फ्रेंड्स, रतलामी चाय के में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से लड्डू बनाना बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि लड्डू तो सभी बना लेते हैं, पर कुछ छोटी छोटी गलती से भी हमारे लड्डू बिगड़ जाते हैं। तो मैं इजी ट्रिक और टिप्स से लड्डू बनाना बताऊंगी, ताकि आप जब भी लड्डू बनाएं तो एकदम परफेक्ट बने। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है और ये मोटा बेसन है। आप जब भी लड्डू बनाएं तो मोटे बेसन का ही लड्डू बनाएं, क्योंकि इससे लड्डू एकदम दानेदार बनते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई में एक कप मतलब 200 ग्राम घी डालेंगे। अब हर किसी के घर में मेजरिंग कप नहीं होता है, तो उसके लिए आप घर का कोई भी एक कप या कटोरी का नाप बना लें और उस कप से आप एक कप घी लें। घी पिघला हुआ होना चाहिए और उसी कप से आप चार कप बेसन लें। बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम अभी हमें तेज ही रखना है। अभी आपको बेसन को हिलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बेसन ने सारा घी सोख लिया है। जैसे जैसे बेसन सिकने लगेगा ये घी वापस छोड़ देगा। अब हम बेसन को स्लो और मीडियम फ्लेम पर बादामी होने तक सेक लेंगे। आपको तेज फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, बेसन जल सकता है, और इसे आप कंटिन्यू हिलाते रहें। ये देखिए, बेसन धीरे धीरे घी छोड़ने लगा है और बेसन को पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि लड्डू हमसे दानेदार क्यों नहीं बनते हैं, तो आप थोड़ा बेसन मोटा लें। मैंने ये 1/4 नंबर बेसन लिया है, और अगर आपका बेसन थोड़ा बारीक है तो आप उसमें 1/4 कप सूजी मिक्स कर लें, तो आपके लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। देखिए, बेसन और स्मूथ हो गया है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि लड्डू खाते समय बेसन गले में चिपक जाता है, तो उसका कारण यह है कि आपका बेसन कच्चा रह जाता है, इसलिए वो गले में चिपकता है। इसलिए आप इसे स्लो और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेकें, ताकि इसमें कच्चापन नहीं रहे। अब बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, बादामी होने लगा है ये, और देखिए बेसन कितना फूल गया है। कुछ लोगों का कहना है कि लड्डू हमसे डार्क हो जाते हैं, तो उसका कारण ये है कि आप तेज आंच पर इसे पकाएंगे तो बेसन डार्क हो जाएगा और कच्चा भी रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें येलो कलर मिला सकते हैं, मार्केट में येलो कलर इसमें मिक्स करते हैं, तो इससे लड्डू का कलर येलो दिखता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से बेसन सीख चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बेसन को आप कढ़ाई में नहीं छोड़ें, आप तुरंत इसे प्लेट में डाल दें। अगर आप कढ़ाई में छोड़ देंगे तो बेसन और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बेसन को हम ठंडा कर लेंगे और आप इसे कंटिन्यू थोड़ा हिलाते रहें, तो ये जल्दी ठंडा होगा। और हमें बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है। बेसन ठंडा हो गया है, अब हम इसमें शक्कर का पूरा डालेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि बेसन हमसे पतला हो जाता है, इसलिए लड्डू हमसे बन नहीं पाते हैं। तो बेसन पतला होने का कारण यह है कि अगर आप इसमें शक्कर डाल देंगे तो आपका बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और अगर आप इसमें शक्कर का बूरा डालेंगे तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। इसलिए आप जब भी लड्डू बनाएं तो इसमें शक्कर के बूरे का ही यूज़ करें। लड्डू का टेस्ट मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। शक्कर का वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए आपने जिस कप से घी और बेसन लिया है उस कप से 2 कप आप शक्कर ले और टेस्ट करके अगर आपको कम लगे तो 1/4 कप और डाल दें। इसे हम दोनों हाथों से इस तरह से रब करेंगे, ताकि अच्छे से शक्कर मिक्स हो जाए। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। आप लड्डू छोटे बड़े जैसे बनाना चाहें उस साइज में बना सकते हैं। तो ये देखिए, लड्डू कितने अच्छे बने, एकदम शाइनी। इस तरह से हम सभी लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, सभी लड्डू तैयार हो गए हैं, और इस पर आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं।